जैसे राशि जी ने बोला कि हम इज की जो फॉर्मुलेज हैं, जो इज के फॉर्मुलेज है जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स होता है, चाहे इज ब्लैंक हो गया, इज एरर, इज इन वगैरह हो गया, इसका क्या यूज होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो फॉर्मुलेज हैं इनका यूज अकेले नहीं होता है, ये किसी के साथ मिलने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे कि आपके सामने ये है कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई भी पर्सन न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर पाए, टेक्स्ट एंटर न कर पाए। तो यहां पे हमारे पास इज नंबर का फॉर्मूला है। इज नंबर जो है यहां पे जो है रिटर्न करेगा, अगर नंबर हुआ तो ट्रू, अगर टेक्स्ट हुआ तो फॉल्स। तो मैं चाहता हूं कि अगर ट्रू हो तो एंट्री हो, फॉल्स हो तो एंट्री ना हो। एक सिंगल सिलेक्ट को सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गए, लिस्ट पे जाते हैं और लिस्ट रिमार्क कीजिएगा कस्टम पे, और यहां हम इज नंबर का फॉर्मूला लगा देते हैं, इज नंबर F2, राइट। ये ट्रू फॉल्स में चलता है तो इक्वल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, दैट ओके। अब मैं इसमें नंबर टाइप करूं तो ले रहा है, जैसे टेक्स्ट टाइप करूंगा एक्सेप्ट नहीं करेगा। नीचे तक चाहिए तो कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने कर दिया पेस्ट एज ए वैलिडेशन। अब इस कॉलन में मैं नंबर टाइप कर सकता हूं, जैसे ही हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट सर? राइट सर। तो ऐसी चीजें आप अपने फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो फॉर्म वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई वैलिडेशन है कि भाई लगाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलर एंट्री हो या ना एंट्री हो, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, या हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर सकते हो। तो इज की फॉर्मूले का रिटर्न सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही है, बट इस ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे हम जो है नए नए एग्जाम्पल्स और नए नए चीजें कर सकते हैं।